हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को नए टेक्निकल चैनल में। जैसे कि पहले वाला वीडियो आप लोग देख लिए हैं, जैसे लास्ट वाला वीडियो हम लोग देखे थे डिस्कस सी से, उसमें पंच था और स्क्राइबर था। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टील रूल के बारे में, ट्राइज के बारे में, इसका क्या मटेरियल होता है, कैसे इसको यूज करते हैं और क्या इसके पार्ट्स के नाम होते हैं। तो आगे जो वीडियो नहीं देखे हैं, पंच का, स्क्राइबर का, फाइल का भी हो गया है, तो सब वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है, वहां से देखिए उसके बारे में। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं स्टील रूल के बारे में, आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टील रूल के बारे में, स्टील रूल क्या होता है। इसे बोर्ड पे देख रहे हैं कि स्टील रूल का एक फिगर बनाए हुए हैं। एक थोड़ा सा फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं फ्री हैंड। स्टील रूल का फिगर बना दिए यहाँ पे छोटा सा, देख पा रहे होंगे आप लोग कुछ इस टाइप का यहाँ से ग्रेजुएशन बना होता है। ये आपका हो गया स्टील रूल का फिगर, कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ इस तरह से मतलब लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्टील रूल होता क्या है। ये एक प्रकार का मापक औजार है। क्या है? मापक औजार, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, मेजरिंग टूल। मेजरिंग, यानी इसको हम लोग प्रयोग करते हैं मापने के लिए, कोई भी चीज मापना हो, साइज वगैरह, तो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है, यानी डायरेक्ट रीडिंग बताता है, डायरेक्ट डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके द्वारा हम लोग जो भी माप लेते हैं, डायरेक्ट मापते हैं। जैसे अभी मापे तो अभी हमको पता चल जाएगा, जैसे इसको मापना है तो अभी इसको मापेंगे, अभी पता चल जाएगा कि कितना सेंटीमीटर है या कितना एमएम है। तो स्टील रूल के द्वारा हम लोग डायरेक्ट मेजर करते हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेजरिंग टूल, एक मापक औजार है। इसको देखिए, ये जो ग्रेजुएशन बना होता है, थोड़ा सा इसके बारे में, इसके फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो ग्रेजुएशन बना होता है, ये ग्रेजुएशन लाइन जो होता है, थिकनेस होता है, ग्रेजुएशन लाइन होता है, ये 0.12 से 0.18 mm थिकनेस में होता है। ये हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जो स्टील रूल में ग्रेजुएशन लाइन बने होते हैं उनका थिकनेस क्या होता है। तो 0.12 mm से 0.18 mm तक उसका थिकनेस होता है। उसके बाद यहां से एक और क्वेश्चन बोलता है कि ये किस धातु का बना हुआ होता है। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। कौन सा धातु का बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और जो इस पे ग्रेजुएशन लाइनें बनी होती है, ये 0.12 से 18 mm थिकनेस में बना होता है। ये आपका मापक औजार है, इसको हम लोग डायरेक्ट मेजरिंग टूल भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि इसके द्वारा हम लोग कितना एक्यूरेसी में माप ले सकते हैं। तो आपको याद करना होगा, इंच में, इंच में इसके द्वारा 1/64 इंच कम से कम माप को माप सकते हैं, और एमएम में बात करेगा तो 1/2 या 0.5 mm। ये आपका एमएम में होता है और ये आपका इंच में होता है। इसको हम लोग लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, यानी स्टील रूल का लीस्ट काउंट भी बोल सकते हैं और स्टील रूल का एक्यूरेसी भी बोलते हैं। इसको हम लोग स्टील रूल का एक्यूरेसी भी बोलते हैं या स्टील रूल का लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। तो कम से कम आप इंच में ले सकते हैं 1/64 mm, और एमएम में ले सकते हैं 1/2 mm। ठीक,
तो इतना चीज आपको स्टील रूल के बारे में याद करके रखना है। और थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें, इसका जो लंबाई का साइज होता है, इसका जो लंबाई का साइज 100 mm लगभग लंबाइयों में, विभिन्न प्रकार के लंबाइयों में बना होता है, ठीक। तो अलग अलग यूज करते हैं, अलग अलग लंबाइयों में बना होता है। अब इसका प्रयोग जो है अलग अलग टूल्स के साथ भी किया जाता है, जैसे कैलिपर के साथ भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आपको इतना चीज यहाँ से याद करके रखना है, ठीक। स्टील रूल जो होता है आपका एक मापक औजार है, जिसके द्वारा हम लोग डायरेक्ट मेजरिंग करते हैं, यानी डायरेक्ट माप को ले सकते हैं। और ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और इसमें जो ग्रेजुएशन लाइनें होती हैं वो 0.12 से 0.18 mm के थिकनेस में बना होता है। और इसके द्वारा हम लोग इंच में जो सबसे कम माप लेते हैं 1/64 लेते हैं, और जो mm में माप लेते हैं 1/2 यानी 0.5 mm माप लेते हैं। और ये अलग अलग साइजों में उपलब्ध होता है, जिससे 100 mm, 150 mm, 300 mm, 600 mm ये लंबाइयों में उपलब्ध होता है। इसको हम लोग डायरेक्ट मेजरिंग टूल भी बोलते हैं। ये आपका टोटल स्टील रूल के बारे में हुआ, और ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसको बहुत ध्यान से नोट करके रखेंगे, हमेशा एग्जाम में यहाँ से पूछता है, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं ट्राई स्क्वायर के बारे में। आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ट्राई स्क्वायर के बारे में, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए स्टील रूल से हमेशा क्वेश्चन बताए, यहाँ से परीक्षा में हमेशा आपका मतलब इसको क्लियर करके रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में। ट्राई स्क्वायर क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कौन सा धातु का बना होता है। आगे हम लोग बात करेंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में। अगला है ट्राई स्क्वायर। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं चल पा रहा है। देखिए ट्राई स्क्वायर जो है, इसका एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे एक फिगर बना लिए। ये आपका लगभग एक फ्री हैंड ट्राई स्क्वायर का फिगर हो गया, देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये दो पार्ट में बना हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्लेड। और ये होता है आपका स्टॉक, ये क्या होता है आपका स्टॉक होता है। ये जो ब्लेड बना, ब्लेड जो होता है ये स्टेनलेस स्टील का होता है। ये कौन सा धातु का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है। स्टेनलेस स्टील का होता है। और ये जो होता है कास्ट स्टील होता है, ये जो होता है आपका कास्ट स्टील होता है। आपको दोनों ध्यान रखना है कि दोनों अलग अलग पार्ट में बने होते हैं। जो ये स्टॉक जो होता है कास्ट स्टील का बना होता है, और ये जो ब्लेड जो होता है स्टेनलेस स्टील होता है। ये फुल स्टील रूल के टाइप का ही होता है। यहाँ पे एक बर बना होता है, देख रहे हैं यहाँ पे एक खाली तरह से स्थान बना हुआ होता है। इसको हम लोग बनाते हैं या प्रयोग करते हैं जब पार्ट्स को इससे स्क्वायरनेस चेक करते हैं, तो बर को स्थान देने के लिए इस सोलाउट का प्रयोग करते हैं या झिरी का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे।
मार्किंग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, मार्किंग करने के लिए। ये मार्किंग टूल है एक प्रकार का, या चेकिंग टूल भी कह सकते हैं, चेकिंग टूल भी कह सकते हैं। अभी आगे आपको पता चलेगा। देखिए इसके तो मार्किंग में ही हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे स्टील से कोई भी माप लेते हैं, माप लेने के बाद जब लाइन खींचते हैं स्क्राइबर से, तो इस ट्राई स्क्वायर के हम लोग प्रयोग करते हैं, या 90 डिग्री में सीधा लाइन खींचने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो ये तो मार्किंग टूल हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग फ्लैटनेस को चेक करने के लिए या 90 डिग्री में जॉब को बांधने के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए एक मार्किंग टूल भी है और एक चेकिंग टूल भी है। अब इससे हम लोग करते क्या है ना, सबसे पहले फ्लैटनेस को चेक करते हैं, फ्लैटनेस को चेक करने के लिए। ठीक, कोई भी समतल आकृति है या जॉब हम लोग बनाते हैं, जब चेक करते हैं तो इसके द्वारा फ्लैटनेस को चेक करते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए, स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए। जब जॉब हम लोग बनाते हैं उसके एज जो होता है चारों तरफ से, जो हम लोग उसको 90 डिग्री में सेट करते हैं, देखते हैं ट्राई स्क्वायर लगा करके कि यहाँ स्मूथ है, यहाँ समतल नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग स्क्वायरनेस को चेक करते हैं। और ये अगर पूरा सरफेस जब उसका फेस चेक करना होता है तो वहाँ पे स्क्वायरनेस फ्लैटनेस का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री पे एंगल पे जॉब को बांधने के लिए भी प्रयोग करते हैं। अगर कोई जॉब हाइस पे हमको बांधना होगा, सीधा बांधना होगा, तो वहां पे भी ट्राई स्क्वायर का हम लोग प्रयोग करते हैं, फिर लेते हैं। ये आपका ट्राई स्क्वायर का टोटल ये हुआ। एक चीज और इसमें हम लोग जानेंगे, दो पार्ट में होता है, ब्लेड वाला स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ये स्टॉक आपका कास्ट स्टील का बना होता है, ये मार्किंग और चेकिंग टूल में आता है, और ये डायरेक्ट मेजरिंग नहीं होता है, ये केवल मार्किंग या चेकिंग में ही प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम फ्लैटनेस को चेक करते हैं, स्क्वायरनेस को चेक करते हैं, या 90 डिग्री के कोण को जॉब को बांधने के लिए प्रयोग करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसका एक्यूरेसी क्या होता है। इसका जो एक्यूरेसी होता है, इसका एक्यूरेसी होता है, यहाँ पे लिख दे रहा है, प्रति 10 mm में 0.002 mm का एक्यूरेसी होता है। ठीक, यानी प्रति 10 mm में 0.002 mm का एक्यूरेसी होता है। इसको अच्छा से नोट कर लेंगे, हमेशा बोलता है कि ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी क्या होता है, तो प्रति 10 mm में 0.002 mm का एक्यूरेसी होता है, यानी इतना की एक्यूरेसी में आप इसके द्वारा कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ आपका टोटल ट्राई स्क्वायर के बारे में, ट्राई स्क्वायर के बारे में मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको छूटने वाला नहीं है, इसको ढंग से देखिएगा, ऑनलाइन कीजिएगा, नोट्स भी बनाइएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बाहर जाने वाला नहीं है। स्टील रूल हो, ट्राई स्क्वायर हो, यहाँ से कंप्लीट टोटल वीडियो हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टि से कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, ITI लेवल का, वहाँ पे ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।